आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को शर्तों के साथ मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्तों की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे और मीडिया के सामने कोई बयान दर्ज नहीं कर सकेंगे। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिरने के बाद गुरुवार को सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई थी। फिलहाल सत्येंद्र जैन को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।